देखिए तीन चरणों का चुनाव समाप्त हो गया और लोग विकास के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं, कानून के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। 14 की पहले की क्या स्थिति थी, देश के अंदर बम फटते थे, विकास नाम का कोई चीज नहीं था, भ्रष्टाचार था, लूट था, कसोट था, राज्य के अंदर 17 के पहले गुंडागर्दी थी और भ्रष्टाचार, ठेकेदारी और उद्योग सेक्टर। आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के आने के बाद एक शांति है, समृद्धि, करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान है, करोड़ों लोगों का अपना आवास है, करोड़ों का शौचालय है, करोड़ों लोगों का बिजली का कनेक्शन, करोड़ों लोगों का अपना नल का कनेक्शन है, करोड़ों लोगों के घर में अन्न पहुंच रहा है। आज पहले क्या रहता था, सूखा उखा कहीं पड़ता था तो लोग भूख से मरते थे, आज ना कोई भूख से सो सकता है ना कोई भूख से मरता। आप देख रहे हैं कनेक्टिविटी, आज 12 बजे रात को भी बेटी माँ शादी विवाह अटेंड करके वापस आते हैं, कोई भय नहीं है राज्य के अंदर एक। तो इससे जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है और सभी लाभार्थी चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम लोग 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में एक तरफा हम जीते। अखिलेश जी ने कहा कि आप तीन चरण में हार रहे हैं, तो सपा को क्यों वोट दोगे, कभी दिए ही नहीं लोगों, आप कभी उठाइए तो एक बार बसपा को निपटाते तो सपा आती थी, सपा को निपटाते तो बसपा आती थी। पहली बार विकास के नाम पर जनता जनार्दन, 14 में वोटिंग किया, 17 में वोटिंग किया, 19 में वोटिंग किया, 22 में विकास के नाम पर, अपने को शांति महसूस करते हैं, जहाँ शांति है, समृद्धि है, वहीं विकास होता है।